हेलो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है कुद्रा लेक से। ये देखिए कुद्रा लेक में आ गए हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है बारिश के बाद, और बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे सब अच्छे हो गए। ये देखिए वही के पेड़ पौधे सारे हरे भरे हो गए, हरे भरे खुश हो गए। और यहाँ पे देखिए पूरा रेगिस्तान में पूरा कैसे कैसे गाड़ियां गई हैं उस दिन का, तबाही का मंजर। और गर्मी इतनी है अप्रैल में, इतने घास अभी उगे हैं। देखो कितना, मतलब बारिश का फायदा यही है। और कितना रेत एकदम गीला गीला सा लग रहा है, देखो एकदम खाली खाली लग रहा है। कुद्रा में आके कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ ये देखो, वो यही तो, यही ना, कोई है यही देखने तो हम लोग आ जाते हैं भाई, इतना अच्छा लगता है। ये देखो डक्स, ये जो नज़ारे है ना, मज़ा ही आ जाता है। इतना शांति कभी नहीं रहता ना, ये बारिश में और गर्मी आ गई ना तो सब लोग नहीं आ रहे हैं अभी। ये देखो, लेकिन आज हम लोग आए हैं तो खाली खाली और भी अच्छा लग। खाली नहीं, एक कार उधर है, कुछ लोग हैं, 6-7 लोग दिख रहे हैं। अंदर से जाओगे तू, पानी में मत गिर जाना, आराम से आराम से चलो। कितनी अच्छी आवाज आ रही ना तू, खाली बर्ड्स बर्ड्स बर्ड्स। ये देखो ये वाली कैसे बतख मोर की तरह, ये भी नाचती है क्या अंश? वो देखो वो बीच में कैसे पंख एकदम फैला लिए ना। बिग विंग्स होते हैं, कितना मतलब चिड़ियों का कितना अच्छा शोर आ रहा है ना। बहुत सारी चिड़िया जैसे लग रहा है ऊपर से बोल रही हैं। और ये नज़ारे देखो दोस्तों, हाँ सारी बर्ड्स पानी में जा रही हैं। इधर ज़्यादा है नहीं, एक बार तुम लोग उस पे गए थे वो आइलैंड पे ना, दूध छोटा था। अभी पानी ज़्यादा हो गया, लेकिन इस तरफ पूरे बर्ड रहती थी नहीं है, सब पेड़ वेड़ काट दिए हैं इसको ना, सब सफाई कर दिए हैं सब। बहुत ज़्यादा ही तबाही हुई होगी लग रहा है, अभी सफाई हो गई। अदू गंदा पानी है, देखिए हमारा छोटा सा गैस चूल्हा, इससे चाय बनेगी इस पे। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा मस्त सा है। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म एकदम मस्त कलर वाली चाय, कितना अच्छा कलर है ना, तैयार है अद्दू महाराज। हैप्पी चीनी डालने की तैयारी कर, और सारे बर्ड्स जो है ना यहाँ पे आके। और ये देखिए हमारा सेटअप ऐसा लग गया है, और हम लोग अभी चाय पियेंगे, इंजॉय करेंगे। ये देखो चाय लेके हम लोग अब आनंद लेंगे हम लोग इस नज़ारे का। तो यहाँ हम लोगों का सेटअप है, ये देखिए एक फैमिली यहाँ पे आ गई है, एक फैमिली वहाँ पे भी है, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे सब फैमिली है। और मस्त सनसेट होने वाला है दोस्तों, और बहुत बढ़िया सा हम लोग वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। बच्चे देखो अपना बॉल निकाल के खेलेंगे, कितना अच्छा लगता है ना, फैमिली फैमिली सब लोग बैठे हैं एकदम खुले, और बस चिड़िया की आवाज़ आ रही है। और अद्दू आ रहे हैं हमारे, कैसी चाय है, अच्छी बनी है? अद्दू आपको यहाँ कैसा लगता है आके? अच्छा। बहुत अच्छा अच्छा। चलो सनसन की तरफ चलते हैं। उधर एक आइलैंड है, आइलैंड आइलैंड पे चल रहे हैं हम लोग। ये देखो बारिश के बाद ये सब कटाव, देखो ये सब हुआ है रेत का एकदम। ये देखो पानी रुका हुआ है इधर पूरा, मतलब एकदम सिस्टम ही हिल गया है, हिल गया है। कुद्रा का हाँ, पूरे दुबई का हिल गया तो कुद्रा का क्यों नहीं हिलेगा। ये सब हट गया होगा उस बार में, यहाँ बनाए होंगे फिर से, ये देख रहे हो। तो
तो आपको कुदरा घुमा रहे हैं दोस्तों। तो रियल इस समय काटा बहुत है। हाँ, सिचुएशन ये है। कौन सा जानवर देखो चला होगा, हिरन वरन कुछ है क्या? ये देखो पंजों के निशान देखो। यहाँ गाय भैंस तो आई नहीं होगी है? अरे यार सन किधर चला गया? अच्छा ये आइलैंड है, इधर रास्ता भी बना हुआ है। अरे वाह, तो ये आइलैंड पे हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। अरे बाप रे, धीरे धीरे जाना तू। अरे वाह, जाओ वो जाओ। थैंक यू अद्दू महाराज हमें बचाने के लिए। अद्दू महाराज ने हमें बचा लिया भाई। क्या चिड़ियों की आवाज आ रही है, और नो मैन लैंड वाला जो फीलिंग आती नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, बस चिड़िया आई है वैसा लग रहा है। सब गीला गीला सा है ना, एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया है। अरे वाह, अरे वाह, मचान। अरे ये कौन रहता है इधर? ये देखो यार मचान बना हुआ है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर कौन बनाया है यार? किसी ने अपना परमानेंट टेंट ही बना दिया है लग रहा है। ये लोग जो यहाँ पे काम करते हैं आके शाम को ना दोपहर ऊपर यहाँ बैठते होंगे। पूरा भीग गया है ना चटाई उटाई सब। मस्त लग रहा है। ये भी रखा है जलाने वाला, ये वो दिया है, इसमें वो पेट्रोल डालो। मिट्टी का तेल मिलता है यहाँ पे? ये देखिए दिया है, इसमें तेल डालो और ऐसे जलता है। ये हम लोगों के पास है लेकिन उसका डंडा नहीं है, बस यहाँ तक का पार्ट है। एक है हमारे पास, देखा है? ये देखो सूरज देवता इधर आ गए हैं दोस्तों। पूरी मुआयना करोगे क्या, क्या क्या है यहाँ पे? चलो अगर इसी में अद्दू महाराज, अगर इसी में एक शेर आ जाए तो, इधर से शेर आ जाए तो डियर तो आ ही सकता है, शेर नहीं आएगा। अच्छा आइलैंड है ना यहाँ पे, अच्छा है। हाँ, वो सोलर का कुछ लगा हुआ है क्या? आ जाओ भाई आ जाओ, क्या गजब नजारा है, कैसा लग रहा है जंगल में जाके पानी का आके आके मम्मा पानी कुछ अंदर कुछ है, कुछ है। क्या नजारा है, देखो कितनी अच्छी। अगर आदमी उधर न आए ना, दूसरी साइड में भी घास ऐसे हो जाएगी, कितनी बड़ी घास है देखो। आदमी घास के दुश्मन है क्या? नहीं, आदमी ये पेड़ कितना मोटा है देखो, वही सारे पेड़ हैं लेकिन ये वाले मोटे हैं। अभी देखो बर्ड्स भी आएंगी ना पूरा एक साथ, गजब लग रहा है देखो। क्या बात, अलग ही है। दुबई में सब कुछ एक तरफ और कुदरा आना एक तरफ। ये देखिए कैसे पानी यहाँ पे जमा के रखे हुए हैं, पूरा प्लास्टिक सीट बिछी हुई है। ये देखिए प्लास्टिक सीट। अच्छा पैर नहीं डालो। वो बीच में क्या है? चिड़िया की आवाज़ सुनो कितनी अच्छी आ रही है। ये सोलर लाइट वाला है कुछ क्या ना, लाइट जलती होगी यहाँ से, मोटर इतने से काम हो जाता है। ये देखो ये वाली ट्री कैसी है, सब घास फूस वाली ट्री यहाँ पे मस्त लगती है। यहाँ पे सांप भी तो आ सकता है, क्यों है? बिच्छू सांप। हम तो ये आवाज सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सुनो देखिए पूरियां बना कौन रहा है। ये देखिए गर्मा गर्म पूरी, और ये चावल भी आया था। ये देखिए पूरी, और यहाँ पर महा पूरी के जो हलवाई मास्टर बैठे हैं तो अभी हम लोग ना कुदरा में सब कुछ बनाने लगे हैं, पकौड़े बनाते हैं, पूरियां बनाते हैं। एक दिन भटूरे छोले भटूरे बने थे, मतलब सब कुछ बनाने लगे हैं। तो ये ऐसा ही होता है, कुछ बना के ले जाते हैं और कुछ वहाँ जाके बना लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है गरम गरम, और बच्चे भी एकदम खुश हो जाते हैं। नॉर्मल बाटी चोखा हम लोग बनाते थे उससे। और 10 बजे के बाद हम लोग निकले थे, और यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, मतलब कहीं कहीं सब लोग थे। रात को भी रुक सकते हैं, बहुत अच्छा वेदर है।
और यहाँ पे देखिए गाड़ी में इन लोगों का हाल, एकदम मस्त नींद आ जाती है हमेशा ही इन लोगों को। और बस दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा।